यहाँ प्रोटेस्ट कर रही है, सीनियर कांग्रेस के नेता यहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मकसद एक ही है, ये सरकार ये स्कीम लाई है बोलने के लिए कि बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन वही युवा जिनके लिए ये स्कीम लाई है वही सड़कों में है, हाहाकार मचा रहे हैं, दुख अपना प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये वैसी स्कीम लाई है, अगर 4 लाख लोगों की भर्ती होगी तो 4 साल बाद उनमें से 1 लाख बचेंगे, 3 लाख फिर से बेरोजगार हो जाएंगे, तो वो 3 लाख बेरोजगार कहाँ जाएंगे, कौन उनके भविष्य को संभालेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, एक भारत का युवा, भारत माता का लाल अगर आर्मी में जाता है तो सिर्फ सैलरी के लिए नहीं जाता, उसको भारत माता की सेवा करनी होती है, अपनी स्वाभिमान देश को बचाना होता है, इसलिए वो जाता है। और उसको अगर आप एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में उसको भी बना दोगे, एक प्राइवेट लिमिटेड बनाने की कोशिश करोगे, तो भारत का युवा इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हम मोदी जी से, अमित शाह जी से ये कहना चाहते हैं, भारत के युवाओं के लिए आप अग्निपथ तय कर रहे हैं, और जो आपके युवा हैं, चाहे अमित शाह जी के बेटे हैं, उनके लिए आप BCCI पथ डालते हो, उनके लिए आप VVIP बिजनेस पथ डालते हो, लेकिन आम युवा के लिए अग्निपथ जो डाल रहे हो ये नहीं चलेगा। जिन लोगों के लिए आप ये बना रहे हैं वो लोग ही सड़कों में हैं, तो क्या फायदा ऐसी स्कीम का। जिस तरह से कृषि कानून लाए थे और किसान ही उससे खुश नहीं थे, उसी तरह से अग्निपथ लाए हैं और जो भर्ती वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भर्ती वाले युवा हैं, वो ही इससे खुश नहीं है। तो हमारी सीधे सी आग्रह है केंद्र सरकार से कि इस अग्निपथ स्कीम को रोल बैक किया जाए, वापस लिया जाए, और युवाओं के साथ, और जिस तरह से सनी परियार जी ने कहा, भारतीय आर्मी के साथ खिलवाड़ करना बंद करे ये BJP की केंद्र सरकार, और जब तक ये नहीं करेगी ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे।